वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में इससे पूर्व जेड प्राचल, वाई प्राचल तथा एच प्राचल को परिभाषित किया गया था तथा विभिन्न स्थितियों के अंदर एच प्राचल के मान किस प्रकार से निकाले जाएं, वाई प्राचल के मान किस प्रकार से निकाले जाएं और जेड प्राचल के मान किस प्रकार से निकाले जाएं, इसका विस्तृत अध्ययन किया गया था। अब उस टॉपिक से आगे आज टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क की संकल्पना का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। वर्तमान समय में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल होती है, उनमें बहुत से रैखिक प्रतिबाधाएं संयोजित हो सकती हैं, तो इन कठिन नेटवर्क का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, क्या अंदर लगे हुए हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल अध्ययन किया जाए, हर कंपोनेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा सर्किट की प्रतिबाधा पर, धारा में इसका अध्ययन किया जाए या कोई अन्य सरल विधि निकाली जाए जिससे अपने उस जटिल नेटवर्क को एक सरल नेटवर्क के तुल्य माना जा सके। इसी तुल्यता को ज्ञात करने के लिए टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क की संकल्पना दी गई है। तो आज का ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको काफी डिटेल में बड़े नेटवर्क को हल करने का एक बहुत सरल तरीका प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम टी नेटवर्क की संकल्पना का अध्ययन करते हैं। चित्र में आपको N लिखा हुआ एक जटिल नेटवर्क है, जिसमें 1 सिरा निवेशी को, 2 सिरा निर्गम को तथा 3 सिरा उभयनिष्ठ है जो भूसंपर्कित को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि 1 और 3 के बीच में यहां इनपुट आई लिया जा सकता है और 2 और 3 के बीच में यहां आउटपुट ओ लिया जा सकता है। तो ये इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को परिभाषित किया गया है। अब इस एन नेटवर्क में बहुत सी प्रतिबाधाएं हो सकती हैं, बहुत सी इक्विपमेंट्स लगे हो सकते हैं अंदर अलग अलग, तो अपने तुल्यता बताने के लिए इसी सर्किट के तुल्य अपने 3 प्रतिरोधों का संयोजन लिया गया है। पॉइंट 1 जैसा था वैसे का वैसा, पॉइंट 2 में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, सिमिलरली पॉइंट 3 भी सेम लिया गया है। 1, 2, 3 पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इस कंप्लीट नेटवर्क N के स्थान पर 3 प्रतिबाधाएं Z1, Z2 और Z3 संयोजित की गई है। इस संयोजन की आकृति को यदि ध्यान से देखा जाए तो ये एक T आकार की आकृति बना रही है, जिसमें एक तरफ Z1, दूसरी तरफ Z2 तथा तीसरी भुजा इसकी Z3 इस प्रकार से बनी है। तो Z1, Z2, Z3 को ध्यान से देखने पर एक T आकृति का आभास होता है, इसीलिए इसे T नेटवर्क या स्टार नेटवर्क कहा जाता है। अब मुख्य बात है कि Z1, Z2, Z3 के मान किस प्रकार से लिए जाएं, तो पहले उसी की गणना किया करेंगे कि अपने इसमें सर्वप्रथम गणितीय रूप से हल करने के लिए ये मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी प्रतिबाधा जो Z1, Z2, Z3 है उसको ज्ञात करने के लिए स्रोत की कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, यानी स्रोत यहाँ पर संयोजित नहीं है। स्रोत के अभाव में सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं Z1OC को। Z1OC का तात्पर्य है 1 का मतलब इनपुट, OC का मतलब ओपन सर्किट। पूर्व के लेक्चर्स में भी अपने इस बारे में बात कर चुके हैं कि ओपन सर्किट का तात्पर्य होता है कि उन टर्मिनल को
खुला छोड़ दिया जाए अर्थात उनके मध्य किसी भी प्रकार की तार संयोजित न की जाए। तो अपने कल्पना कर सकते हैं कि अपनों ने एक मल्टीमीटर लिया है जिससे अपने प्रतिबाधा माप रहे हैं, उस मल्टीमीटर को यहां पर संयोजित किया, 1 और 3 सिरों के मध्य, 2 सिरों को यहां पर खुला रखा, यानी इसके मध्य कोई भी संयोजन नहीं किया, ये बन गया Z1OC। ये मल्टीमीटर कोई ना कोई रीडिंग देगा, गणितीय मान देगा, अर्थात Z1OC जो अपने इधर लिखा हुआ है टेबलर फॉर्म में, ये एक गणितीय मान है जो अपने को मल्टीमीटर की हेल्प से प्राप्त हो जाएगा। उसी की मल्टीमीटर की कल्पना आपने यदि इस टी नेटवर्क में करें 19 सिरों के मध्य, तो अपने यदि यहां पर एक मल्टीमीटर लगाते हैं 1 और 3 के बीच में और इस सिरे को खुला रखते हैं, तो अपने पास स्पष्ट है कि Z1 और Z3 श्रेणी क्रम में संयोजित माने जाएंगे, तो तुल्य प्रतिबाधा बन जाएगी Z1 प्लस Z3। अर्थात चतुर टर्मिनल नेटवर्क का एक निश्चित गणितीय मान जिसे Z1OC लिख रहे हैं, जो मल्टीमीटर से ज्ञात किया जा सकता है, उसके तुल्य मान Z1 प्लस Z3 टी नेटवर्क में। इसी प्रकार से Z1SC, SC का मतलब शॉर्ट सर्किट, मल्टीमीटर को वही 1 सिरे पर लगा रहने दिया, इस बार दूसरे टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया अर्थात इसको तार से संयोजित कर दिया। नेटवर्क की स्थिति में कुछ नया मान प्राप्त होगा, यानी Z1SC का एक गणितीय मान प्राप्त हो जाएगा। किंतु यहां पर यदि इसे लघुपथित किया जाए टी नेटवर्क वाले परिपथ में, तो अब Z2 और Z3 परस्पर समानांतर क्रम में संयोजित हो जाएंगे, जिससे इनका तुल्य Z2 Z3 / Z2 + Z3 बन जाएगा, और इस संयोजन के श्रेणी क्रम में Z1 लगा है, तो Z1 + Z2 Z3 / Z2 + Z3 इस Z1SC के तुल्य टी नेटवर्क का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से Z2OC का मतलब मल्टीमीटर की स्थिति को विपरीत कर देना है। स्थिति विपरीत का मतलब मल्टीमीटर लगा दिया है 2 सिरों के मध्य, 2 और 3 टर्मिनल्स के मध्य, और 1 सिरे को ओपन रखा है, तो उस स्थिति में टी नेटवर्क और मुख्य नेटवर्क दोनों में ही अवस्थितियां विपरीत हो जाती है। जैसे यहां पर आप इस बार 2 के यहां पर मल्टीमीटर लगा दिया और इसको खुला रखा, कुछ गणितीय मान आएगा जिसे Z2OC से लिख रहे हैं। यहां देखा जाए तो मल्टीमीटर लगा के 1 सिरे को ओपन रखा है, ओपन रखेंगे तो यहां केवल Z2 और Z3 श्रेणी में मिलेगा, तुल्य मान Z2 + Z3 आ गया। Z2SC में सिरे 1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, लघुपथित कर दिया, तो Z1 और Z3 आपस में समानांतर क्रम में हो गए, तुल्य प्रतिबाधा बन गई Z1 Z3 / Z1 + Z3, और इसके श्रेणी क्रम में Z2 है, तो Z2 + Z1 Z3 / Z1 + Z3 Z2SC का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपने ज्ञात किए गए चारों मानों को समीकरण के रूप में यहां प्रदर्शित कर लिया। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में या बाई तरफ लिखे हुए चारों मान अपने को पूर्व में ही ज्ञात हैं। Z1OC, Z1SC, Z2OC, Z2SC इनके गणितीय मान अपने को पता है और इनकी सहायता से अपने Z1, Z2, Z3 के मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो Z1OC में से Z1SC माइनस किया अर्थात पहली और दूसरी समीकरण को परस्पर घटाया, तो अपने पास Z3 का रिलेशन आ जाएगा। एक सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 सबसे पहले वाली Z1OC वाली टर्म को देखें, वहां से यदि Z1 का मान ज्ञात करना हो तो Z1OC - Z3 से मिल जाएगा, Z3 का मान प्रतिस्थापित कर दें तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 यानी Z2OC के समीकरण से अपने Z2 का मान ज्ञात कर सकते। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जटिल नेटवर्क जिसके कोई भी गणितीय मान पता नहीं है, अंदर लगे हुए घटक पता नहीं है, केवल एक मल्टीमीटर की सहायता से Z1OC, Z1SC, Z2OC, Z2SC
मान ज्ञात करके अपने उसे एक तुल्य टी नेटवर्क के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से पाई नेटवर्क की संकल्पना हुए। पाई का तात्पर्य यहां आपने सेकंड डायग्राम को देखें तो ये वन ब्रांच, सेकंड ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच। यदि इक्विवेलेंट में या तुल्य लिए गए प्रतिबाधाओं को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि वो परस्पर संयुक्त होकर एक पाई आकार की संरचना बनाती हो तो उसे अपने पाई नेटवर्क कहते हैं। इसमें सिरे वन और सिरे थ्री के मध्य लगी प्रतिबाधा को वन थ्री, वन और टू के मध्य लगी प्रतिबाधा को वन टू और सिरे टू और थ्री के मध्य लगी प्रतिबाधा को जेड टू थ्री से प्रदर्शित किया गया है। स्थितियां समान हैं, जटिल नेटवर्क है, अपने उसके तुल्य जेड वन टू, जेड वन थ्री और जेड टू थ्री के मान ज्ञात करना चाहते हैं। इसी प्रकार से मल्टीमीटर लेकर वन और थ्री सिरों के मध्य मल्टीमीटर जोड़ देंगे और मल्टीमीटर जोड़ने के बाद दो सिरे को खुला रख के देखेंगे तुल्य प्रतिबाधा कितनी है, गणितीय मान प्राप्त होगा जेड वन ओ सी। यहाँ पे यही काम किया जाए तो गणना कुछ जटिल लगेगी, यहाँ ऐसा किया जाए तो जेड वन टू और जेड टू थ्री ये दोनों परस्पर समानांतर क्रम में संयोजित माने जाएंगे, श्रेणी क्रम में, ये परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि यहाँ सर्किट खुला है, यहाँ जेड वन टू से आने वाली संपूर्ण धारा जेड टू थ्री से जाएगी, इसलिए जेड वन टू और जेड टू थ्री परस्पर श्रेणी क्रम में है। इनका श्रेणी क्रम संयोजन जेड वन थ्री के साथ समानांतर में है तो तुल्य प्रतिबाधा प्राप्त हो। यदि जेड टू सिरे को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो अपने गणितीय मान जेड वन एस सी मिलेगा। शॉर्ट सर्किट करते ही जेड टू थ्री का कार्य समाप्त हो जाएगा, अब ये रोल प्ले नहीं कर पाएगा, केवल और केवल जेड वन टू और जेड वन थ्री परस्पर समानांतर क्रम में बनेंगे, जिसके हिसाब से आंसर जेड वन थ्री जेड वन टू बाय जेड वन थ्री प्लस जेड वन टू प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मल्टीमीटर सिरे दो पर जोड़ के अपने जेड टू ओ सी और जेड टू एस सी भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से एक जटिल नेटवर्क को टी अथवा पाई नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए टी नेटवर्क को भी पाई नेटवर्क में या पाई नेटवर्क को भी टी नेटवर्क में रूपांतरित किया जा सकता है। उसकी गणना देखने के लिए अपने इस स्लाइड में मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। यहां यदि देखा जाए तो तीन सिरे हैं वन टू और थ्री, किसी भी जटिल नेटवर्क को चाहे टी में दर्शाएं चाहे पाई में दर्शाएं, वन टू थ्री सिरे समान रहेंगे। यदि मैं इन तीनों सिरों में से क्रमानुसार दो दो सिरे लेकर उनकी तुल्य प्रतिबाधाएं ज्ञात करूं तथा उन प्राप्त प्रतिबाधाओं को इक्वल रखता जाऊं परस्पर और उनको हल करें तो अपने रूपांतरित टी व पाई नेटवर्क की समीकरण प्राप्त हो जाए। अर्थात सर्वप्रथम सिरे वन और सिरे टू के लिए चेक किया, सिरे एक और सिरे दो के मध्य प्रतिबाधा देखनी हो तो जेड थ्री सर्किट में संयोजित ही नहीं होगा क्योंकि सिरे थ्री बिल्कुल खुला है, जेड थ्री का कोई रोल नहीं होगा, तुल्य प्रतिबाधा बनेगी जेड वन प्लस जेड। यहां सिरे एक और सिरे दो के मध्य देखा जाए तो जेड वन थ्री और जेड टू थ्री ये परस्पर श्रेणी क्रम में होंगी और Z12 के साथ समानांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी, जो समीकरण Z12 into Z13 plus Z23 by Z12 plus Z23 plus Z13 से मिल जाता है। इसी प्रकार T नेटवर्क में सिरे 2 और 3 के मध्य तुल्य प्रतिबाधा देखें तो आंसर आएगा Z2 plus Z3 और यहाँ 2 और 3 के बीच में चेक किया जाए तो Z12 और Z13 श्रेणी क्रम में है जो Z23 के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होंगे, अपने को दूसरे समीकरण प्राप्त। इसी प्रकार थर्ड और फर्स्ट के लिए देखा जाए यहां तुल्य प्रतिबाधा बनेगी Z1 plus Z3
और यहां बनेगी वन और थ्री के बीच में वन टू और टू थ्री का श्रेणी क्रम, और जेड वन थ्री के साथ समानांतर में क्रम में है, समीकरण नंबर तीन प्राप्त हो जाए। तीनों समीकरणों को परस्पर जोड़ दें तो दो बार जेड वन आएगा, दो बार जेड टू और दो बार जेड थ्री। इसी प्रकार से जब जेड वन टू का गुणा जेड वन थ्री के साथ होगा, एक बार जेड वन टू जेड वन थ्री, और एक बार दूसरी बार समीकरण नंबर तीन में भी प्राप्त होगा जब जेड वन टू और जेड वन थ्री का परस्पर गुणा होगा। तो इनको यदि एक सामान्य गणित की तरह हल करें तो अपने को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, दो से दो कैंसिल आउट होकर ये समीकरण अपने को प्राप्त होगा। अब इस प्राप्त समीकरण में से यदि वन बाय वन समीकरण नंबर एक घटाई जाए, दो घटाई जाए और तीन घटाई जाए, उदाहरण के लिए यदि मैं पहले समीकरण नंबर एक घटाता हूं तो जेड वन से जेड वन कटेगा, जेड टू से जेड टू कटेगा, बचेगा केवल जेड थ्री, जेड वन टू जेड वन थ्री, जेड वन टू जेड वन थ्री के साथ कैंसिल, जेड वन टू जेड टू थ्री कैंसिल, बचा जेड टू थ्री जेड वन थ्री बाय जेड वन टू जेड टू थ्री जेड वन थ्री, ये समीकरण प्राप्त। इसी प्रकार नंबर दो को घटाया जाए तो जेड टू से जेड टू कटेगा, जेड थ्री से जेड थ्री कटेगा, बचेगा केवल जेड वन की समीकरण मिल जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड समीकरण को घटाकर जेड टू की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक सामान्य गणित है, पहले तीनों को परस्पर जोड़ा, समीकरण एक समीकरण दो समीकरण तीन को, उसके बाद प्राप्त योग में से वन बाय वन सभी समीकरणों को घटाते गए। अब यदि अपने पास जेड वन टू जेड वन टू जेड वन जेड टू और जेड थ्री के सूत्र अपनों ने स्थापित कर लिए, इनको परस्पर गुणा करके आपस में जोड़े, अर्थात जेड वन जेड टू, जेड टू जेड थ्री और जेड थ्री जेड, तो अपने को इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स टर्म प्राप्त होगी। लघुतम लेके हल करें तो एक सिंपल टर्म प्राप्त हो जाएगी, अर्थात z12 z23 z z1 z2 + z2 z3 + z3 z1 का मान z1 * z23 के पदों में लिखा जा सकता है। इस योग जो मैंने अभी सर्किल किया है या सर्किल कर रहा हूं, इस योग को ध्यान से देखिए। इसमें यदि मैं z1 के मान को प्रतिस्थापित करूं तो z13, z12 और हर का समस्त पद जाकर ये पूरा पद z1 into z23 बनेगा जो यहां पर लिखा गया है z1 into z23। यहां से z क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z1 अपॉन में चला जाएगा, ये अपने को z23 का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार इसी समीकरण में यदि मैं z2 रखता हूं तो 2,3 और 1,2 दोनों जाएंगे, बचेगा z13 into z2, वहां से z13 प्राप्त हो जाएगा। इसी समीकरण में मैं z3 का मान रखूं तो मुझे z12 भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से एक माइंड में एक परिकल्पना बना लीजिए कि दुनिया का कितना भी कॉम्प्लेक्स चतुर टर्मिनल नेटवर्क हो, आप उसे एक सरल टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क में रूपांतरित कर सकते हो। ये टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क आपस में भी रूपांतरित किए जा सकते हैं, अर्थात अब अपनी गणितीय गणनाएं काफी सरल हो जाएंगी। कि अपने माइंड में ये पता है कि जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, अपने को तो या तो टी लेना है या पाई लेना है, और टी और पाई को हल करके अपने आंसर आ जाएंगे। अब आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, दिए गए पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में रूपांतरित करने हेतु आवश्यक रूपांतरण समीकरण स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक चतुर टर्मिनल नेटवर्क को टी नेटवर्क के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, इस हेतु आवश्यक रूपांतर समीकरणों की स्थापना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसके ऊपर रिवाइज जरूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी अपने वापस मिलेंगे।